कंजापन बालों का शदीद गिरना फ्रंट हेयर लाइन का कम होना इज लाइक फ्रंट से आपके बाल बिल्कुल खाली हो चुके हैं कोई हेयर स्टाइल नहीं बनता आपकी स्किन नजर आना स्टार्ट हो गई है बालों के नीचे से और आपको जो है ना वो बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गए हैं कि हेयर फॉल खत्म नहीं हो रहा जनाब अब आपने क्या करना है सिर्फ इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है उसके बाद आप देख कर हैरान हो जाएंगे आपके न्यू बेबी हेयर जी हाँ इस तरह आपके बालों की ग्रोथ होगी इज लाइक क्रेजीली इसके लिए आपने सिर्फ वीडियो को ठीक से देखना है समझ है और फिर इसका इस्तेमाल करना है वजूहत की तरफ नहीं चाहूंगी कि क्यों होता है डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ आऊंगी। ठीक हो गया सबसे पहले आपने लेना है प्याज सफेद प्याज पर्पल प्याज नहीं लेना आपने सफेद वाला ऑनियन लेना है उसको आपने पील ऑफ करना है और बारीक बारीक कट कर लेना है कट करने के बाद चॉपर में डाल देना है और इसका जूस निकाल लेना है इस तरह से जब आपका प्याज का पेस्ट रेडी हो जाए ना तो आपने उसका जूस निकाल लेना है और साइड पर रख देना है सेकंड यहाँ पे मैं लूंगी एलोवेरा जेल अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो वेल एंड गुड है अदरवाइज मार्केट में भी प्योर एलोवेरा जेल अवेलेबल है लिंक मैं आपसे शेयर कर लूंगी जो मैं हमेशा अपनी रेमिडीज में यूज करती हूँ लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपके पास एलोवेरा जेल ही होना चाहिए इस तरह आपने एलोवेरा लीव को कट कर लेना है और किसी भी कॉम वगैरह से इसका जेल जो है वो अच्छे से आपने निकाल लेना है मज़ीद फाइन फाइन क्वालिटी जेल बनाना तो आप इसे मजीद ग्राइंड कर सकते हैं तो ये हमारा जबरदस्त एलोवेरा जेल हमें मिल चुका है जो कि है हाफ कप ठीक हो गया अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी जो हमने प्याज का रस निकाला था ना कम से कम प्याज का रस आपके पास प्याज का जूस ऑनियन जूस आपके पास होना चाहिए तीन से चार चम्मच एलोवेरा जेल के अंदर ओनियन जूस ऐड कर दिया ठीक हो गया अब मैं इसमें ऐड करूंगी वाइटामिन सी जिसके लिए यहाँ पे लीमू के चंद कतरे ही काफी हैं इन द लास्ट इसमें मैं ऐड करूंगी कैस्टर ऑयल अब इसमें मैं जो कैस्टर ऑयल ऐड कर रही हूँ इसे अरंडी का तेल भी कहते हैं पंसार शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगा मेरी फैमिली सब नाउन है इस नाम से इस चीज़ से मेरी पूरी फैमिली को पता है कि ये क्या चीज़ है आपके बालों के लिए एक वरदान है एक किसी गिफ्ट से कम नहीं है जो कि कुदरत ने आपके बालों को दिया है अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टू टेबल स्पून ऑफ कैस्टर ऑयल कोई और ऑयल आपने ऐड नहीं करना यही ऐड करना है अच्छे से इस पेस्ट को मिक्स कर लेना है ये हमारा ज़बरदस्त सा हेयर टॉनिक हेयर जेल हेयर ग्रो सीरम रेडी हो गया है अब आपने इसे लगाना कैसे है आपने इसे सिर्फ ऑयल वाले बालों में नहीं लगाना है कि पहले से आपके बालों में ऑयल लगा हुआ है और उसके ऊपर आप ये लगा लें नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना अगर आपके बाल गंदे भी हैं ना दो तीन दिन से धुले हुए नहीं है वॉश नहीं है तब भी आप लगा सकते हैं लेकिन ऑयल वाले बालों में आपने इसे नहीं लगाना रूट्स में लगाना है अच्छा सा मसाज करना है कम से कम आपने मसाज की टाइमिंग जो है ना वो पंद्रह से बीस मिनट रखनी है और नेल्स के साथ मसाज करना है अगर आपके पास डर्मा रोलर है ना तो बस कम्बाल हो जाएगा अपने डर्मा रोलर यूज करना है और इस जेल को अप्लाई करना है और कम से कम पूरे दो घंटे इस जेल को आपने बालों में लगा रहने देना है अब आपने दो घंटे के बाद बालों को वॉश करना है रिकमेंड करूंगी की आप अपना होम मेड शैंपू जो की ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ की आप अपना घर पर हेयर शैंपू ऑर्गेनिक जो आपके बालों को लंबा घना मजबूत बनाता है वो शैंपू आप अपना घर पर कैसे बना सकते हैं वही वाला बनाए और यूज करें लेकिन फिर भी अगर आप नहीं बना सकते तो जो भी शैंपू आप घर पर यूज कर रहे हैं मेक श्योर उसमें सल्फर मौजूद ना हो, तो वो शैम्पू आपने अपने बालों में इस्तेमाल करना है और इसे अच्छे से रिमूव कर देना है तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताना मत भूलिएगा और हाँ बता दूं कि आप इस रेमेडी को स्टोर करके नहीं कर सकते हमेशा आपने फ्रेश बनानी है और फ्रेश ही बालों में लगानी है मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा खुश रहिएगा मुस्कुराते रहिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी